दोनों अजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सैयदी या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरे तमाम मुसलमान को मेरा सलाम हो। मेरे चैनल वाले, देखने वालों, मेरे यूट्यूबर फैमिली, मेरे फॉलोअर्स, मेरे यूजर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे कमेंटर्स, जितने मेरे बहन भाई हैं सबको अलहम्दुलिल्लाह को, मेरे मुसलमान बहन भाइयों को सबको मेरा फिर से सलाम, मेरे बहन भाइयों को सबको, मेरे बच्चों को सबको सलाम हो, मेरे घरों को छोटों को सबको मेरा दोबारा सलाम हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हूँ अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और नाहित रहम वाला है। आप सबको अल्लाह सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हम सबको सलामत, खुश, आबाद रखे, अपने घरों में खुश रखे, मेरे बच्चों को, बड़ों को, मेरे बहन भाइयों को, मेरे प्यारों को सबको अल्लाह ताला, जो मुझे कमेंट करते हैं, मेरे लाइक करते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं या नहीं करते, मेरे लिए सब मोहतरम हैं, सब मेरे लिए बाइस इज्जत हैं। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे। मुझे उम्मीद है मेरे बहन भाइयों ने सब ने नमाज़ पढ़ी होगी। अपना आगाज़ अल्लाह के नाम से, अल्लाह के रसूल के नाम से किया होगा। और माशाल्लाह 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 आप सूरत रहमान जो है इसको लाजमी पढ़ा करो मेरी बहनों, मेरे भाइयों। सूरत रहमान जो होती है अल्लाह ताला की तारीफ़ होती है, जो मैं बार बार आपको कहती हूँ, अल्लाह की तारीफ़ होती है और ये लाजमी पढ़नी चाहिए माशाल्लाह। और रात को आपने मगरब की नमाज़ के बाद सूरत वाकिया जो है, सूरत मुल्क जो है, ये लाजमी पढ़ा करें। अल्लाह ताला खैर बरकत देगा, रिज़्क की फरानी होगी और इंशाल्लाह अल्लाह ताला गाइड से रिज़्क आपको देगा और घर में खैर बरकत होगी। अगर रिज़्क होगा तो उसमें बरकत आ जाएगी, अगर रिज़्क नहीं होगा तो गाइड से रिज़्क आ जाएगा। तो अल्लाह ताला आप लोगों को आपके घर में रिज़्क की ज़्यादा से ज़्यादा रिज़्क अल्लाह ताला आपको अता फरमाए। और सूरत वाकिया जो होती है ये बशर्ते है कि अल्लाह ताला की जो ये कुरान पाक की सूरत है और इसको लाजमी आप पढ़ा करो। और इसमें मैंने आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर रिज़्क अल्लाह ताला रिज़्क घर में है तो इसमें बरकत हो जाएगी, अगर रिज़्क कम है तो वो ज़्यादा हो जाएगा, इंशाल्लाह दोबारा आ जाएगा, गाइड से अल्लाह ताला देगा। और अल्लाह ताला की कलाम से, अल्लाह की नमाज से दिन का आगाज़ करना चाहिए। और ये बार बार मैं आपको रिपीट करती हूँ कि जैसा हम दिन का आगाज़ करते हैं सारा दिन वैसे ही हमारा मूड रहता है। तो हमें चाहिए कि खुश खुश हंसते मुस्कराते चेहरे के साथ दिन का आगाज़ करें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। जो इंसान दूसरों को तंग करता है, दूसरों को जलाता है, वो खुद भी सारा दिन जलता रहता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम खुश खुश रहें, खुश खुश मूड के साथ अपने दिन का आगाज़ करें। हमेशा हमारी ज़िंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहेगी इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इजाज़त चाहती हूँ।